हेलो एंड वेलकम पीपल, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्काई हाई ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल बैंक निफ्टी में हमको क्या ट्रेड करना है और हमारी क्या एनालिसिस है कार्यों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का भी हिट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो देखेंगे आज मार्केट के अंदर क्या हुआ है। मार्केट एक स्लाइटली सा गैप अप ओपन लेने के बाद मार्केट ने हाई लगाया आज का 38,250 के आसपास, और उसके बाद मार्केट ने तुरंत ही एक डाउनफॉल का मूव दिया है। तो ये डाउनफॉल आया बहुत ही शार्प 37,300 तक, और वहाँ से हमें फिर एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली मार्केट के अंदर। और दोस्तों, लास्ट में हमने देखा कि मार्केट ने एक डबल बॉटम सा पैटर्न भी बनाया है, जो कि हमने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। तो देखते हैं कि कल अब यहाँ से बैंक निफ्टी फॉरवर्ड कैसे मूव करता है। तो आप देखेंगे ये जो एक डबल बॉटम का पैटर्न बना है, ये अपने अब रीटेस्ट लेवल पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फर्दर मूव अपसाइड दे सकता है। तो देखते हैं 5 मिनट के चार्ट में क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर कल गैप अप ओपन होती है मार्केट कहीं ना कहीं 38,100 के आसपास, तो हम तुरंत एक सी बाय कर सकते हैं। टारगेट हम रखेंगे 38,500 का। और फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि हम कल वेडनेसडे है, कल मार्केट रेंज बाउंड भी हो सकता है, तो जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड हमें नहीं करना है। देखेंगे गैप अप होने के बाद अगर 38,100 और 38,200 के बीच कहीं भी गैप अप मिलती है हमें मार्केट, हम तुरंत ही एक कॉल बाय कर सकते हैं। 38,500 पे आके हमें उस लेवल पे आके अपना ट्रेड बुक कर लेना है। उसके बाद वेट करेंगे कि मार्केट किस साइड मूव दे रही है फर्दर, या फिर रेंज बाउंड हो जा रही है। और अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, अब फ्लैट खुलने के बाद आज के हाई को अगर ब्रेक करता है मार्केट, जो है 38,200 को ब्रेक करते ही हम फिर से एक कॉल पे बैठ सकते हैं। उसका टारगेट भी हम 300 से 400 पॉइंट्स का रखेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपको 38,500 और 38,600 के बीच में आके अपना सारा ट्रेड बुक कर लेना है। और बात कर लेते हैं कि गैप डाउन होता है, अगर गैप डाउन के सिचुएशन में क्या होना है। गैप डाउन अगर होता है मार्केट, तो ये एक जो डबल बॉटम का पैटर्न हमने अभी दिखाया है आपको, ये रीटेस्ट के लेवल के नीचे आ जाएगा, फिर ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे। फिर उसके लिए हम पुट पे एंट्री कर सकते हैं, जिसका हम टारगेट रखेंगे 37,300। आज का लो भी मार्केट कहीं ना कहीं 37,300 पे ही आके रुका है। 37,300 का आज का लो था, तो अगर हम पुट में एंट्री करते हैं तो हमारा जो ट्रेड है वो 37,300 पे आके बुक हो जाना चाहिए। अब देखते हैं वन डे के चार्ट में कि कल सिनेरियो क्या बनने वाला है। दोस्तों, आज एक बहुत शार्प मूवमेंट के बाद मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है, अब देखेंगे रिकवरी और क्लोजिंग कल की सेम है। ऑलमोस्ट 38,000 पे ही आके आज भी मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो ये एक रिवर्सल कैंडल बना हुआ है वन डे के चार्ट में, आप देख सकते हैं प्रॉपर। यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हैं 400-500 पॉइंट्स का कल मार्केट मूव दे सकता है अपसाइड। तो क्लियरली हम ज़्यादा जो हमारा व्यू रखेंगे वो हम कॉल साइड ही रखने वाले हैं, पुट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बट पुट का कोई भी ट्रेड अगर मिलता है तो वो हम तुरंत ही अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। अगर आप दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ हम एक फ्री कॉल रोज़ अपडेट करते हैं ताकि उससे आपका पैसा बन सके। दोस्तों देखिए, अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आने लगता है तो फिर क्या करना है। फ्लैट खुल के मान लीजिए मार्केट नीचे आने लगता है तो हम वेट करेंगे 37,800 का। ये लेवल बहुत ही पुराना लेवल है, जो बार बार अभी 2-3 दिन के अंदर बहुत बार ब्रेक होके ऊपर भी गया है, बहुत बार ब्रेक होकर नीचे भी आया है। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है मार्केट, 37,800 के नीचे जैसे ही निकलता है, हम पुट में एंट्री कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट फिर हम रखेंगे 37,600 का, और उसके बाद अगर फर्दर ब्रेक करता है तो 37,300 का।
दोस्तों याद रखें कि ये फ्लैट खुल के अगर ब्रेक करता है तभी हमें ये टारगेट रखने, और अगर गैप डाउन होता है तो फिर हमारा डायरेक्ट टारगेट होने वाला है वो है 37,300 का। आई होप आप सबको लेवल समझ में आ रहे होंगे। अब आप देखेंगे ये डबल टॉप का पैटर्न अगर यहाँ से काम कर जाता है तो इसका जो टारगेट होने वाला है वो 38,500 इनिशियल होने वाला है। और 15 मिनट के चार्ट में भी हम देखेंगे कि इसका जो निकल के आ रहा है लेवल वो 38,500 ही निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल कल के लिए हमारा जो रेसिस्टेंस बनने वाला है वो बनने वाला है 38,500, और डाउन साइड जो हम सपोर्ट देख सकते हैं वो पहला 37,800 पे और दूसरा 37,300 पे। बीच में दोस्तों कोई लेवल नहीं नज़र आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों ही लेवल्स को कल के मार्केट में अप्लाई करके चलेंगे। और हमें कोई भी ट्रेड अगर समझ में इस बीच आता है तो हम ज़रूर उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करेंगे। तो और याद रखें कल रेंज बाउंड भी कर सकती है मार्केट, तो ध्यान रख के ही ट्रेड लें, लेवल पे ही ट्रेड लें दोस्तों। यही लेवल्स पे ही आके ट्रेड लेंगे अगर, तो इसका फ़ायदा यही है कि मान लीजिए आपने किसी लेवल से कोई ट्रेड लिया है तो आपको फर्दर लेवल पे आके उस ट्रेड को बुक करना होता है। अब देखिए आज 37,300 लेवल जो था वो बहुत ही मेजर सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया, और दोस्तों वहाँ से जो लेवल नेक्स्ट निकल के आया वो निकल के आया 37,800। अब क्लियरली चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि 37,800 पे आके मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताया, वहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था, और यहाँ से फिर मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया। तो दोस्तों पावर जो होता है लेवल का वो यही होता है कि आप एक लेवल पे एंट्री करें और दूसरे लेवल पे एग्जिट कर दें तो आपका कहलाता है परफेक्ट ट्रेड। दोस्तों पैसा ऐसे ही बन सकता है मार्केट के अंदर, अदरवाइज़ आप जितना भी कैपिटल डालते जाएंगे वो आपका ख़त्म होते जाएगा। बिना लेवल के बिना सोच के आप अगर ट्रेड करेंगे तो आप अपना पैसा सारा गंवा देंगे मार्केट के अंदर। साथ ही दोस्तों ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें कल के डेट में, क्योंकि कल जो है हम मान के चलते हैं कि प्रीमियम ईटिंग डे होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेड लेते हैं ज़्यादा देर उस ट्रेड को छोड़ देते हैं तो वो आपका प्रीमियम भी ख़त्म कर देगा कल ही के। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सारा आंसर आपको कमेंट में दे देंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।